रेसलिंग फाइनल में पहुंचने के बाद विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। अब वो फाइनल मुकाबला भी नहीं खेल पाएंगी, उन्हें कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। विनेश का वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा निकला, जिसके चलते उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने फोगाट को वजन मानदंड पूरा करने के लिए थोड़ा समय देने की मांग की, लेकिन उनकी अपील को खारिज कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके साथ हैं। रेसलर विनेश फोगाट ने एक दिन पहले प्री क्वार्टर फाइनल में दुनिया की नंबर वन रेसलर यूई सुसाकी को हराया था। इसके बाद क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन के ओक्साना लिवाच को और सेमीफाइनल में क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को 5-0 से मात दी थी। फाइनल में पहुंचने वाली विनेश पहली भारतीय महिला रेसलर बन गई थी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियमों के मुताबिक अगर कोई एथलीट वजन माप में भाग नहीं लेता है या असफल हो जाता है तो उसे कॉम्पिटिशन से बाहर कर दिया जाता है। उसे बिना रैंक के आखिरी स्थान पर रखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।